भारत जब आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब हम आजादी के बाद से ही देश के हर क्षेत्र की अपूर्व उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद के पहले चार दशकों में औद्योगिक विकास मुख्यतः केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात सीपीएसईस के माध्यम से राज्य नियंत्रित रहा, परंतु 1980 और 1990 के दशक आते आते सीपीएसईस की कार्यक्षमता घटने लगी, इसलिए आर्थिक उदारीकरण आरंभ करने का यही उपयुक्त समय माना गया। 1990 के दशक में आरंभ किए गए आर्थिक सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वार खोल दिए, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजी बाजार में व्यापार या धनोपार्जन के नए अवसरों का सृजन और उत्साह का संचार हुआ। इन सुधारों की अगली कड़ी के रूप में दिसंबर 1999 में सीपीएसईस के विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट की नीति के साथ विनिवेश विभाग का गठन किया गया। 14 अप्रैल 2016 को इसी विनिवेश विभाग का नाम बदलकर दीपम कर दिया गया। इस प्रकार पहली बार विनिवेश के स्थान पर निवेश शब्द का प्रयोग किया गया। कंपनियों में नए निवेश, पूंजी पुनर्गठन और वित्तीय पुनर्गठन के लिए परिसंपत्तियों का लाभ उठाने जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर काम करने के लिए और सक्षम बनाने के लिए निवेश आधारित दृष्टिकोण अपनाकर सीपीएसईस के पूंजी प्रबंधन में एक मूलभूत परिवर्तन किया गया। आज दीपम को जो दायित्व दिए गए हैं, उनमें पूर्ण विनिवेश अर्थात कंपनी के स्वामित्व का निजी हाथों में हस्तांतरण, जिसे निजीकरण भी कहते हैं, माइनॉरिटी स्टेक सेल, अल्पांश की बिक्री, पूंजी प्रबंधन आदि प्रमुख दायित्व हैं। बदलते समय के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की नई नीति 2021 जारी की गई। ये नीति सभी सीपीएसईस को दो वर्गों में विभाजित करती है, स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में मौजूदा पीएसईस की न्यूनतम उपस्थिति ही बरकरार रखी जाएगी, शेष पीएसईस का अन्य पीएसईस के साथ विलय या अनुषंगीकरण या बंद करने पर विचार किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक क्षेत्र बनाने का आधार राष्ट्रीय सुरक्षा है। उदाहरण के लिए प्रतिरक्षा, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि को स्ट्रेटेजिक माना गया है। वहीं नॉन स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में पीएसईस का निजीकरण या उन्हें बंद करने पर विचार किया जाएगा। उदाहरण के लिए उर्वरक, इस्पात, वस्त्र, केमिकल्स आदि शामिल हैं। इसके अलावा नई नीति कुछ पीएसईस को विनिवेश से छूट भी देती है, जैसे कि गैर लाभकारी कंपनियां या गरीब या किसानों को सहायता प्रदान करने वाली कंपनियां या विकास और प्रचार कार्य वाली कंपनियां। प्रश्न उठता है कि विनिवेश क्या है? ये वस्तुतः सरकार के स्वामित्व के अधिकांश को बेचने के साथ साथ मैनेजमेंट कंट्रोल निजी हाथों को सौंपना है। अब प्रश्न उठता है कि इसके क्या लाभ हैं? पूंजी निवेश, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और कुशल प्रबंधन के कारण इन सीपीएसईस के बेहतर प्रदर्शन की संभावना बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप निजी हाथों में गई कंपनियों के विकास, सहायक उद्योगों के विकास और रोजगार के अवसरों के सृजन में सहायता मिलेगी, जिससे अंततः देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भी इसका योगदान होगा। सरकारी नियंत्रण से मुक्त हुए संसाधन देश के सामाजिक तथा विकासोन्मुख कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध होंगे। निजीकरण की प्रक्रिया न केवल पारदर्शी है, बल्कि इसमें बहुस्तरीय निर्णय लेने की व्यवस्था है, जैसे IMG इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप। इसमें 11 विभिन्न विभागों के सचिव और संयुक्त सचिव शामिल हैं। CGD कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें कैबिनेट सचिव, CEO नीति आयोग और विभिन्न विभागों के 7 सचिव शामिल हैं। ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म मंत्रियों का समूह अर्थात कैबिनेट का एक सशक्त वैकल्पिक तंत्र, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, वित्त मंत्री, प्रशासनिक मंत्रालय के मंत्री शामिल हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ग्लोबल टेंडर के माध्यम से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किए जाते हैं। वित्तीय बोली पूरी होने के बाद ही रिजर्व प्राइस तय किया जाता है और बोलियां तब तक सीलबंद लिफाफे में रहती हैं और आरक्षित मूल्य निर्धारण के बाद ही खोली जाती हैं। यहां कुछ उल्लेखनीय सफलता की कहानियां हैं, जैसे एयर इंडिया को 2009-10 से अब तक 1,00,000 करोड़ से अधिक की सरकारी सहायता मिली है, क्योंकि एयर इंडिया को प्रतिदिन लगभग 20 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था, करदाता के पैसे का सदुपयोग नहीं हो पा रहा था। यदि विनिवेश असफल होता तो इसे बंद करना ही एकमात्र विकल्प था, तथा बंद होने की स्थिति में बड़ी संख्या में कर्मचारी बुरी तरह प्रभावित होते। इस प्रकार यात्रियों, सहायक उद्योगों, विमानन क्षेत्र और अंततः पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एयर इंडिया का निजीकरण लाभदायक है। ऐसी ही एक और सफलता की कहानी है NINL।
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का निजीकरण। ये प्लांट बंद पड़ा था जिसके कारण इसके कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल पा रहा था। अब ये अत्यंत सुखद बात है कि कर्मचारियों को न केवल वेतन बल्कि उनका बकाया भी मिलेगा जब कंपनी चलने लगेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि निर्धारित मूल्य से दुगनी बोली पर ये कंपनी बिकी है। विनिवेश के लिए आने वाले समय में अन्य CPSEs में FSNL, NMDC स्टील लिमिटेड, कॉनकोर, BEML, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, PDIL, IDBI बैंक, HLL आदि शामिल हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में किए गए विश्लेषण से CPSEs के निजीकरण का औचित्य सिद्ध हुआ है। इसी विश्लेषण के अनुसार जिन CPSEs का निजीकरण 2 दशक पहले हुआ था उनका वित्तीय प्रदर्शन अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया। निजीकरण के बाद उनका शुद्ध लाभ भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया और रिटर्न ऑन इक्विटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। CPSEs में सरकार के अल्पांश की बिक्री एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार अपने थोड़े से शेयरों को IPO और OFS के माध्यम से बेचती है, लेकिन ऐसी CPSEs पर सरकार का नियंत्रण बना रहता है। IPO स्टॉक एक्सचेंज में CPSEs के शेयरों की प्रारंभिक सूची है और OFS पहले से सूचीबद्ध शेयरों के अल्पांश की बिक्री है। IPO और OFS का लाभ ये है कि जहां आम लोगों को CPSEs में आंशिक स्वामित्व मिल जाता है, वहीं दूसरी ओर सरकार को सामाजिक विकास के लिए धन प्राप्त हो जाता है। LIC IPO भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO है। लगभग 73 लाख से अधिक आवेदनों के साथ साथ 20,500 करोड़ से अधिक की राशि भी जुटाई। एकमात्र संस्थान जिसने लिस्टिंग के दिन ही भारतीय पूंजी बाजार के मार्केट कैप में 5.5 ट्रिलियन रुपए जोड़े। पहली बार में ही 10 लाख से अधिक आवेदन करने वालों में से लगभग 7 लाख को आवंटन मिला। पहली बार 3 प्रायोजक बैंकों, स्टॉक एक्सचेंजों ने शनिवार और रविवार के दिन भी काम किया। निर्बाध शेयर आवंटन के पहले घंटे में ही 30 लाख से अधिक ईमेल और आवंटन के बाद 24 घंटे 7 दिन कॉल सेंटर ने लगभग 65,000 कॉल को बिना किसी परेशानी के अटेंड किया। IPO के द्वारा CPSEs का वास्तविक मूल्य भी पता चलता है, जिसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं IRCTC और मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। दीपम के व्यापक दिशा निर्देशों में CPSE के पूंजी प्रबंधन भी शामिल है। लगातार लाभांश नीति, शेयरों की बायबैक, बोनस शेयर, शेयरों का बंटवारा CPSEs के नेटवर्थ और बाजार मूल्य को बढ़ाने में सहायता मिल रही है। 2014-15 के बाद से सरकार को डिविडेंड से 3,38,104 करोड़ रुपए और 44,605.79 करोड़ रुपए बायबैक से प्राप्त हुए। माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स को भी आनुपातिक लाभांश और बायबैक का लाभ मिल रहा है। दीपम ने वास्तविक आर्थिक मूल्य को अनलॉक करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम यानी NLMC की स्थापना के लिए गैर प्रमुख संपत्ति निर्णय के मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान की। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यापार को प्रोत्साहित करने, निवेश को आकर्षित करने और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नया आत्मनिर्भर भारत के हेतु एक दृष्टिकोण रखा है। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण और नई PSE नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए विभाग के अधिकारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग करके उनकी कार्यक्षमता बढ़ाई जा रही है। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वृद्धि के द्वारा दीपम को क्रमशः बढ़ते दायित्व के वाहन के लिए निरंतर सक्षम बनाया जा रहा है। दीपम में हम CPSEs द्वारा अधिक धन सृजित करने तथा बाजार पूंजीकरण बढ़ाने योग्य बनाने में अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। अमृत काल के दौरान 2047 तक देश को आगे ले जाने और इसे $multi-trillion की अर्थव्यवस्था बनाने में दीपम का योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। वंदे मातरम। जय हिंद।